नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूँ आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, मचल पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। भारत चीन विवाद पर विदेश मंत्रालय ने कहा, एलसी पर मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कोशिश नहीं होने देंगे। चीन ने डोकलाम के पास परमाणु बमबार और क्रूज मिसाइल तैनात किए। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 3 और 7 नवंबर को होगा मतदान, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। आईपीएल में आज चेन्नई वर्सेज दिल्ली का मैच, धोनी एंड टीम सीजन का तीसरा मैच खेलने उतरेंगी दिल्ली के खिलाफ। पिछले 5 से 4 मैच जीते दुबई में दोनों के बीच पहला मुकाबला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के बाद लेह से उपशी तक बिछेगा 50 किलोमीटर रेलवे ट्रैक। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी ढेर। हरियाणा में कृषि विधायकों का विरोध, प्रदेश भर में सड़कों पर उतरे किसान, कहा गोली खाने को भी तैयार, गांव में हुए बैन, जज्बा भाजपा की एंट्री। बठिंडा में फंदे पर लटके मिला नाबालिग जोड़ा, लड़की की मौत और लड़के पर हत्या का केस दर्ज। पंजाब बंद पर कृषि बिलों के खिलाफ किसानों को विपक्ष का मिल रहा पूरा समर्थन, पंजाब में रेल रोको आंदोलन जारी। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।